गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज दिन ठीक ठाक है। अगर आज अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहे तो धार्मिक कार्यों की ओर मन आकर्षित रहेगा, परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज दिन ठीक ठाक है। परिवार की तरफ से खुशी और प्रसन्नता का माहौल मिलेगा, मनोरंजक यात्राएं भी हो सकती हैं और कामकाज में भी सफलता का दिन है, परंतु बेमतलब का कोई झूठा आरोप लगने के कारण मन अशांत हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम है। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में वृद्धि होगी, मित्र वर्ग का अच्छा साथ प्राप्त होगा। और अब राशियों के मुताबिक दिन के हाल की बात कर लेते हैं, गुरुदेव से जान लेते हैं कि कैसा रहेगा कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। किसी से विवाद हो सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि पेट पे कोई खराबी या दिक्कत महसूस हो सकती है। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए दिन अच्छा है, क्योंकि शिक्षा में सफलता का योग बना हुआ है। सिंह राशि वालों के लिए कुल मिलाकर दिन अच्छा है। कामकाज में लाभ की स्थिति होगी, मन में नया उत्साह और जोश दिखाई देगा और यात्रा होने की भी संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए आज दिन अच्छा है, परंतु परिवार के अंदर किसी का स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता हो सकती है। आज आप मांगलिक कार्य में शामिल हो सकते हैं, मीठी वाणी के कारण दूसरों से मित्रतापूर्ण संबंध वो कायम होंगे और आप अपने काम को अपनी इच्छा अनुसार पूरा करेंगे। अगर गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वाले अगर आज अपने शरीर के अंदर आलस्य को नहीं भरने देते और सुबह से अपनी चुस्ती बना करके रखते हैं तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं, पारिवारिक सुख मिलेगा, नए मित्रों की मित्रता प्राप्त होगी और स्वभाव में भी काफी अच्छी गंभीरता देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन लगभग अच्छा है। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, नए कार्यों के प्रति भी आकर्षण बना रहेगा, परंतु किसी भी काम में की हुई लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है, इसीलिए जो कार्य करें आज पूरा ध्यान पूर्वक करें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। आप प्रभावी व्यक्तित्व दिखाई देंगे। आज आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे और परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और यात्राएं भी अच्छी होंगी और कामकाज में भी अच्छी बरकत होगी। इसी गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन है। दिन की शुरुआत तो आपके लिए बहुत अच्छी है। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य घर परिवार में संपन्न हो सकता है। आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, परंतु दिन बीतते हुए किसी से बेमतलब के बेवजह के मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं और क्रोध आपका बढ़ सकता है, जिस पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, वरना दिन बिगड़ भी सकता है। कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, बाकी सब चीजों में दिन उत्तम है। आज के दिन कामकाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली और परिवार का भी अच्छा सुख प्राप्त होगा। मीन राशि वालों को आज बड़े बुजुर्गों का सानिध्य तो अच्छा प्राप्त होगा, उनकी तरफ से सहयोग भी प्राप्त होगा, परंतु बाकी दिन उत्तम नहीं है। किसी से लड़ाई झगड़ा परेशानी का कारण बन सकता है, क्रोध पर काबू करना बहुत जरूरी है और आज किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी हुई है, इसीलिए यात्रा में बहुत संभल करके रहें।